हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। और अभी आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट से यह अहम खबर, निहाल हाशमी तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है, जिसमें निहाल हाशमी का कहना है कि अफसोस का इजहार करता हूं और खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। निहाल हाशमी जो कि इससे पहले भी तौहीन अदालत की वजह से सजा भुगत चुके हैं और नाअहली का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है, एक मरतबा फिर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ। आज उन पर फर्द जुर्म आयद होना है और निहाल हाशमी ने कमरा अदालत में यह कहा कि वो अफसोस का इजहार करते हुए खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। अदील वड़ाइट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद, उनसे मजीद जानेंगे। अदील बताइएगा, अब तक क्या हुआ है कमरा अदालत में? हाँ जी सर, नहीं हुई, चीफ जस्टिस ने मामला वकला की अदालत में भेज दिया है। इसमें वकला फैसला करेंगे कि क्या करना है। वकला की अदालत को गालियां दी गई और वो फुटेज दोबारा चलाई गई, उसको बार बार रिपीट करके चलाया गया। चीफ जस्टिस काफी बरहम नजर आ रहे थे, उन्होंने निहाल हाशमी की सरजनिश भी की। निहाल हाशमी ने कहा कि वो अपने आप को अदालत पर छोड़ते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहते हैं। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्लाह को बीच में ना लेकर आए, आपने अदालत से मुतलिक जो बातें की हैं, अगर आप कह रहे हैं कि अदालत से मुतलिक ये बात नहीं की गई तो फिर किसके मुतलिक की गई है? क्या ये गालियां आप अपने आप को दे सकते हैं? जिस पर निहाल हाशमी ने कहा कि वो अपने बारे में ऐसी बात नहीं कह सकते, लेकिन ये बात जो मंसूब की जा रही है ये उन्होंने नहीं की, बल्कि वो ये बात रिपीट कर रहे थे। तब तक इस केस को एडजर्न कर दिया गया है, उसमें बार के नुमाइंदों को नोटिस जारी कर दिया गया है, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को कल तलब कर लिया गया है और इसमें कहा गया है कि इसमें बार फैसला करेगी कि निहाल हाशमी के साथ क्या करना है। अगर बार कहेगी कि इनको माफ करना है तो हमारा इतना जर्फ है कि हम इनको माफ भी कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा उनके बेटे ने किया होता तो वो भी अदालत में मामला ना लेके जाते बल्कि बार के सुपुर्द कर देते, बार फैसला करती। अब वकील जो बुजुर्ग हैं बार के वो ये फैसला करें कि उनकी अदालत को जो कुछ कहा गया है। समाप्त कर दी गई है, बहुत शुक्रिया आदिल आपका।